बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों, जो कि कल ईद आने वाली है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए ये वाली जो ईद है ना, खुशियों का सामान लेके आए और आप सबको इस ईद की हकीकी खुशियाँ नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो फाइनली हमारी भी शॉपिंग हो ही गई है। वैसे तो मैंने ये वाली जो शॉपिंग है ना, कुछ दिन पहले की थी, आज से 7-8 दिन पहले, क्योंकि ईद पे आपको पता है ना कितना रश हो जाता है, हर तरफ ही रश ही रश, शोर शराबा, गलियों में से तो गुजरा ही नहीं जाता ना बिल्कुल भी। तो जिस दिन मैं लेके आई थी सामान, ये वाला, सारी शॉपिंग की थी, उस दिन भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से शॉपिंग हो गई थी। तो यहाँ पे जो देखी, मैं लेके आई हूँ ट्रे सेट। ये ना मैं दोबारा लेके आई थी, पहले मैं लेके आई तो वो ना घर वालों को पसंद नहीं आए थे, बच्चों को खास तौर पर ना पसंद नहीं आए थे। वो कह रहे थे मामा ये क्या फ्लावर्स वगैरह बनी हुई ऊपर, तो रेड कलर के, आपको ज़्यादा रेड कलर पसंद है, ये या वो है। तो फिर मैं ना वापस करके तो ये वाली डिशेज लेके आ गई थी। तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत डिसेंट कलर था इसका। और ये देखें साइडों पे स्टील के उन्होंने लगाए हुए हैं, वो जो पाइप से होती है ना जहाँ से हम पकड़ते हैं, तो ये ना स्टील के बनी हुई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी मजबूती से बनी हुई हैं ना। इसका जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक बहुत ही ज़बरदस्त है इसका, और मुझे ना बहुत ही एक यूनिक सी लगी थी ना ये। तो फिर मैंने वो ले ली थी, जो मैंने वापस की थी ना वो थी, आई थी 1600 की, तो वो ना घर वालों को पसंद भी नहीं आई थी, और उसका प्लास्टिक जो है ना वो बहुत ही हल्का सा था, तो इसका प्लास्टिक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये वाली आई थी 3500 की। तो ये वाली जब मैं लेके आई थी ना, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आई और घर वालों को सब ने बहुत ही पसंद की थी ये। तो साथ ही मैं कपड़े, चूड़ियाँ, मेकअप, जूतियाँ वगैरह जो भी बच्चों का सामान था, जो सब शॉपिंग की थी, तो मैंने कहा कि आपको दिखाती हूँ। ये उस दिन मैंने वीडियो बना ली थी, बस मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था। ये देखिए ये वाला सूट लेके आई हूँ, बच्चों ने कहा था कि मम्मा अभी आपने खोल के नहीं दिखाना। तो ये वाला सूट मुझे बहुत ही पसंद आया था, ये पिंक कलर का सूट है, पिंक और मजंडा कलर का ना, पिंक और मजंडा दोनों ही शेड्स आ रही थी इसकी। तो इसके साथ ये वाला सूट चेक करें आप, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा, सी ग्रीन टाइप ना, तो बहुत ही मज़े की कलेक्शन है ये भी। दोनों सूट मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, बच्चों को खासतौर पर बहुत ही पसंद आए थे। तो ये वाले मैं लेके आई हूँ, इसका कलर बहुत ही प्यारा है, तो मैंने सोचा कि ये वाले ना ईद वाले दिन जब पहनेंगे तब दिखाऊंगी, तब अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। तो इसके साथ ही लेके आए हैं मैचिंग शूज़ हैं ये भी, हील्स वालों के शूज़ हैं, और ये देखें इसका कलर भी ना साथ बहुत ही मैच हो रहे थे, तो हमने ये वाले ले लिए हैं। मैचिंग शूज़ हैं और साथ ही मैचिंग चूड़ियाँ हैं, और बहुत ही डिसेंट कलर है ये भी, ये शूज़ हो गए इसके साथ की। तो अभी मैं आपको पिंक सूट जो है ना उसके साथ भी आपको शूज़ दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है दोनों सूट का। इसको साइड पे करती हूँ अभी मैं। ये देखें जी ये वाला जो पिंक सूट है, इसके साथ मैंने ये वाला शूज़ लिया था, और ये जो दोनों सूट है ना, सॉरी दोनों शूज़ जो है ना, इतने ज़बरदस्त है ना, बिल्कुल लाइट कलर है, और सॉरी लाइट वेट है इनका, कलर तो लाइट है ही लेकिन इनका वेट बिल्कुल लाइट सा था। जब मैंने इसको पहना ना तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने शूज़ पहने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शूज़ थे। और एक ये वाला चेक करें, इसके साथ मैंने ये वाला मैचिंग सूट लिया था, और ये सूट भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी, तो मुझे ये वाला सूट बहुत पसंद आया, तो मैंने इसको सिलाई करवाया है। बैन वाला गला है इसका, गले पे बैन लगवा के ना, तो मैंने खुद सिलाई किया है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूट है ये भी। तो ये भी मैं ईद वाले दिन पहनूंगी, तो फिर इसकी पिक्चर शिक्चर सब कुछ लूँगी। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैं लेके आई हूँ सूट उनके लिए, उनको सूट ना वाशिंग वेयर में पसंद है, तो ये वाशिंग वेयर में बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी, मुझे ये वाले जो कलर ना बहुत ही अच्छे लगे, और इस कपड़े का स्टफ़ बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह, तो मैंने लिया ना दोनों सूट उनके लिए ले लिया, साथ में सॉक्स, बनियान, जराब, रुमाल वगैरह जो भी सब कुछ होता है ना, तो मैंने सब कुछ उनके लिए ले लिया था, साथ में टूथब्रश और मतलब इस तरह की जो भी जेंट्स वैरायटी होती है ना। आपको पता है जो जेंट्स की ईद होती है वो इस तरह की होती है, बच्चों हमारी तो होती है मतलब मेकअप, चूड़ियाँ, मेहंदी, हर चीज़ ये वो, लेकिन उनके लिए मैंने ये बनियान, जराब वगैरह ना सब कुछ ले लिया, और साथ में ये हमने बेच ली थी, फाउंडेशन लिया था, साथ में मेहंदी ली और मेकअप का थोड़ा बहुत सामान लिया, और साथ में ली चूड़ियाँ, चूड़ियाँ के सेट मुझे बहुत ही पसंद आए थे, तो ये वाले हमने ले ली थी। अच्छा चूड़ियाँ इतनी महंगी हो गई थी, तो बा इतनी महंगाई, हर चीज़ जो है ना वो तो आसमानों से बातें कर रही थी, जिसका भी रेट पूछो तो बस ना ही पूछें, आप सबको पता ही इतना रेट, इतनी महंगाई, और इस महंगाई के बावजूद भी तो भाई आला इतना रश था, सब कह रहे थे हर चीज़ महंगी है, लेकिन लेनी भी लाजमी होती है, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जिन्होंने लेनी है उन्होंने लेनी ही होती है, मतलब कि हम लोग महंगाई का भी रोना रो रही होती हैं, और साथ साथ धड़ाधड़ हर चीज़ खरीद रही होती हैं, बस जी यही ज़िंदगी है। और जो ईद की खुशियाँ होती हैं वो तो आप सबको पता ही है ना कि इन खुशियों का तो कोई मोल ही नहीं होता।
और ख़ास तौर पे जब कोई भी चीज़ आप जितनी भी महंगी लेके आती हो ना, जब आपके घर वाली खुश होती हैं, बच्चे खुश होती हैं ना, तो फिर आपको सारी महंगाई, सारी टेंशन वो ना सब कुछ भूल जाता है। बच्चों की और घर वालों की खुशियाँ देखकर हमारी ना सारी टेंशन जो है ना वो दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रे जो है ना पैक कर ली थी दोबारा से, लेकिन अभी सिस्टर ऊपर से आ गई तो मुझे कह रही थी कि दोबारा मुझे दिखाओ क्या क्या लेके आई हो। तो ये सब कुछ मैंने सिस्टर को दिखाया। तो यहाँ पर मैंने दो स्टॉलर लिए थे, एक ब्लैक कलर का और एक पिंक कलर का, ये भी बहुत ही मज़े के थे, तो मैंने दोनों ले लिए। और इसके साथ में लेके आई थी शीशे के गिलास थे, शीशे के गिलास भी ना हमारे ख़त्म हो चुके थे, तकरीबन टूट गए थे सारे, तो वो भी मैं ना दो तीन सेट लेके आई थी, तो वो ना वीडियो स्किप हो गई है। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ चप्पल घर में पहनने के लिए। तो इस तरह से हमारी शॉपिंग बहुत ही अच्छी रही है। सिस्टर को ख़ास तौर पर बहुत ही पसंद आई थी, कह रही थी सारी चीज़ें जो है ना बहुत वधिया ने थे, अल्लाह ताला ताड़े नसीबां च करे। मैं क्या आमीन जी, जजाक अल्लाह। और ये मेरे सूट का दुपट्टा है, तो वो सारा खोल के चेक कर रही थी, तो उसको ना बहुत ही पसंद आया। तो उम्मीद है कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबको ईद की हकीकी खुशियाँ जो है ना वो नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर मिलते हैं अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।